देखिए गाइस, ये रहा गुफा यहाँ का, मंदार हिल का ये गुफा रहा है। तो माँ सीता यहाँ डेली इस पर्वत के ऊपर यहाँ आकर स्नान किया करते थे। देख सकते हैं, ये रहा सीता कुंड। दोस्तों अभी हमें बिहार के बांका जिला में मंदार हिल में, तो गाइस यहां का पूरा मंदार हिल आप लोगों को टूर करवाते हैं और दिखाते हैं मकर संक्रांति 2024 में किस प्रकार से यहां मेला लगा है। दोस्तों हर चीज दिखाएंगे यहां का, किस प्रकार से क्या कुछ है, पूरा टूर करवाएंगे हर जगह घूम। बस गाइस आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे इस मंदार हिल यात्रा की शुरुआत होती है करकती इस ठंड के बीच सुबह 5 बजे से। मंदार हिल स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे, उनमें से एक हम भी। देश के इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए अंदर से काफ़ी एक्साइटेड थे और फिर वहां पहुंचने के बाद यहां का प्यारा सा व्यू का देखकर उमंग से भर गए। कितने सारे श्रद्धालु लोग आए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। और गाइस यहां का सबसे मेन देख सकते हैं, ये जो है भगवान विष्णु भगवान का है मंदिर, जो कि दोस्तों उसका वहां पर से रास्ता है इधर से ऐसे जाकर। अभी मंदिर बंद है गाइस, बहुत जल्द वो मंदिर खुलने वाले हैं और काफ़ी लोग जाकर पूजा करेंगे इसके अंदर। दोस्तों इस साइड देख सकते हैं ये समुद्र मंथन, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र भाई। देखिए गाइस ये समुद्र मंथन का कितना सुंदर यहाँ व्यू दिखाया गया है, बहुत ही यहाँ का दोस्तों प्राचीन सभ्यता है। और गाइस वहाँ देख सकते हैं वो जो रहा वो आदिवासी का मेला लगता है, भजन गाते हैं। ये गाइस खासकर मेला आदिवासियों का ही है, देख सकते हैं दोस्तों भजन कीर्तन बहुत धूमधाम से यहाँ दोस्तों बहुत दिन तक होता है लगातार। और ये खासकर मकर संक्रांति का ही मेला ये लगता है यहाँ का। दोस्तों बहुत लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, स्लीपर सब पहन के इसके ऊपर चढ़ रहे हैं काफ़ी लोग अपने फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, पर भाई ये सही नहीं है क्योंकि गाइस कितना भी है तो देखिए यहाँ पर पूजा होता है बगल में, कुछ भी है भाई पर इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपन तो नहीं खिंचवाए इनके ऊपर फोटो जाकर। चलते हैं और आगे की तरफ दिखाते हैं यहाँ का प्यारा प्यारा व्यू, हर चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम मंदार हिल के पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले हैं, बहुत ही ऊंचा दोस्तों ये बिहार का सबसे बड़ा पर्वत है। और गाइस यहाँ अभी मॉर्निंग टाइम है इसलिए कम भीड़ है, वैसे दोस्तों यहाँ बहुत संख्या में भीड़ होने वाला है बहुत जल्द। ओ भाई साहब यहाँ का सीढ़ी देखिए गजब। दोस्तों मंदार हिल का यह पहाड़ हिंदू और जैन धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे शिखर पर दोस्तों जैन भगवान का है, ऊपर में मंदिर बना हुआ और बीच में सीता माता का कुंड। अभी दोस्तों थोड़े ही दूर चढ़े हैं और काफ़ी एकदम हफस गए ठंड के मौसम में, देख सकते हैं यहाँ का। दोस्तों ठंड के मौसम में ऊपर चढ़ पाना सबसे शिखर पर एक चैलेंज ही है गाइस यहाँ का, बहुत लोग दोस्तों आधा ही दूर मतलब थोड़े ही दूर से नीचे जा रहे हैं उतर कर। दोस्तों चलते चलते आ गए फाइनली सीता कुंड के पास और यहाँ थोड़ा देर आराम करेंगे फिर आगे की तरफ निकलेंगे। देखिए भाई यहाँ कुआसा इतना डेंजरस है भाई, काफ़ी एकदम गजब लग रहा है यहाँ आने के बाद, इसके कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस ये जो नीचे है यहाँ पानी है, देख सकते हैं इधर से। दोस्तों आप लोग यहाँ आते हैं तो मौसम देख कर आइए क्योंकि ठंड में वो भी सुबह आते हैं तो इसी तरह का सामना करना पड़ सकता है, जो कि पहाड़ के ऊपर में चढ़ना काफ़ी रिस्क वाला काम है। ये गाइस चारों तरफ जो देख रहे हैं ये सब सीता कुंड के अंदर का है, माँ सीता यहाँ आकर जब दोस्तों रामायण और उनसे पहले का जब यहाँ का इतिहास निकालते हैं तो माँ सीता यहाँ डेली इस पर्वत के ऊपर यहाँ आकर स्नान किया करते थे। देख सकते हैं ये रहा सीता कुंड, मॉर्निंग के टाइम है गाइस और देख सकते हैं ठंड के मौसम में। दोस्तों देख सकते हैं ये पहाड़ के बीच में इधर ये काफ़ी शक्तिशाली और प्राचीन मंदिर है, चलिए दिखाते हैं
वहां पर जाके अंदर गाइस, वहां गुफा भी है, वहां पे जाके दिखाते हैं गुफा, यहाँ का प्राचीन गुफा। ये भी दोस्तों गुफा है, देखिए इधर कुछ लिखा हुआ है इधर, और देखिए एक और गुफा यहाँ दिखाते हैं, दो गुफा इधर। देखिए गाइस ये रहा गुफा यहाँ का मंदार हिल का, ये गुफा रहा, काफी प्राचीन गुफा है इधर, और ये पर्वत को काट कर बनाया गया है, देखिए इधर, और इधर से देखिए नीचे की ओर। गाइस आगे चढ़ते चढ़ते ये देख सकते हैं व्हाइट कलर का, ये व्हाइट तरह का क्या बना हुआ है। अभी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत बाकी है, देखिए चढ़ ही रहे हैं। देखिए इधर पानी भी मिलता है, फ्री सेवा नहीं है इनके ऊपर। कितना अवसम वाला व्यू लग रहा है। बस अब पहुंचने वाले हैं ऊपर की ओर, पूरे ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो भाई साहब चढ़ते चढ़ते फाइनली आ चुके हैं, देख सकते हैं इधर मंदिर, जैन मंदिर है ये। अब देखते हैं आगे की। दोस्तों बहुत ज्यादा जो दोस्तों यहाँ कोहरा है। दोस्तों अभी हम मंदार हिल पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पर हैं, और देख सकते हैं मकर संक्रांति के दिन कितने सारे यहाँ लोग आए हैं घूमने के लिए ऊपर। तो गाइज अब आप लोगों को यहाँ का जैन मंदिर दिखाते हैं, यहाँ सबसे जो ऊपर में है यहाँ का शिखर पर। देखिए गाइज कितना सुंदर इधर से व्यू लग रहा है देखने में। ये मंदिर का पीछे वाला भाग है, बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ कोहरा एकदम जमा हो गया, एकदम फुल कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों यहाँ कोहरा के कारण। देखिए इधर ये नंदी बाबा। दोस्तों यहाँ हिंदू जैन दोनों भगवान का है, इस तरफ महावीर भगवान जैन भगवान का यहाँ बड़ा सा मूर्ति रखा हुआ है अंदर में, और यहाँ महादेव शंकर भगवान का है, देख सकते हैं। इस साइड का दोस्तों अभी द्वार बंद है, बहुत जल्द खुलेगा, अभी बहुत ही मॉर्निंग का समय है एकदम सुबह सुबह। दोस्तों उस साइड वहाँ नीचे में खेती होता है, बहुत ही सुंदर यहाँ से वैसे व्यू लगता है देखने में। अभी कोहरा के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा है एकदम से। और कुछ गाइस लोटस तरह का यहाँ का मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा है गाइस। देखिए इधर से दोस्तों यहाँ बहुत ही ज्यादा कोहरा है एकदम ठंड के मौसम में, इसलिए यहाँ का प्यारा सा व्यू आप लोग भी दिखा पाना मुश्किल है एकदम गाइस। वैसे दोस्तों यहाँ अगर कोहरा सब नहीं रहता अच्छा, यहाँ का दोस्तों पूरा एकदम साफ रहता है यहाँ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से दिखाते हैं यहाँ का। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों यहाँ टूरिस्ट के लिए, एकदम बहुत ही मस्त जगह है। दोस्तों ये मकर संक्रांति खासकर यहाँ का आदिवासी सबके ही तौर पर मनाया जाता है। देखिए इधर में देखिए गाइस मकर संक्रांति मंदार हिल 2024, वाह। देखिए दोस्तों आप चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही दिख रहा है दोस्तों। गाइस उस तरह से देखिए वो जो फोटो उस तरह से खिंचवा रहे हैं, काफी रिक्सी है दोस्तों, काफी रिक्स है एकदम, क्योंकि अभी कोहरा के कारण नीचे इसमें पहाड़ सब पर पानी जम जाते हैं, थोड़ा सा अगर सावधानी हटी फिर दुर्घटना घटी। और इस पहाड़ पर भाई यहाँ देखिए लिफ्ट के सहारे भी आ सकते हैं, देखिए इधर से यहाँ तक यहाँ पे उतरिए और सीधा मंदिर में जाकर घूमिए इधर से। और गाइस ये रहा लिफ्ट का टिकट काउंटर, देख सकते हैं 70 रुपया टिकट ऊपर या नीचे, नीचे जाने की दर लिखा हुआ है 70 रुपया नीचे जाने का, देखिए इधर से। तो गाइस ऊपर में काफी यहाँ घूम लिए, अब नीचे की ओर जा रहे हैं सीधा, नीचे उतरना गाइस यहाँ काफी आसान है एकदम, नीचे उतरने में गाइस कुछ मेहनत नहीं लगेगा, आराम से धीरे धीरे बस उतरिए।
कितना बेहतरीन जगह में यहाँ पे आ गए हैं। चारों तरफ देखिए गाइस, और देखिए यहाँ दोस्त सब यहाँ पे हैं, चारों यहाँ दोस्तों सभी दोस्त लोग हैं। और यहाँ देखिए ये बना रहे हैं मुरही चूरा, एकदम बहुत ही मस्त यहाँ बना नाश्ता बन गया। अब सीधा नीचे जाते हैं। फाइनली गाइस पहाड़ पर से नीचे आ चुके हैं और यहाँ का मंदिर का प्यारा सा व्यू देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। ये गाइस मंदिर, कितने सारे भीड़ यहाँ जमा हो चुके हैं। और यहाँ बोटिंग का भी बहुत अच्छा सुविधा है, एकदम बोटिंग कीजिए, घूमिए, इसमें काफी मस्त लग रहा है इधर। दोस्तों यहाँ घूमते घूमते अब आप लोग दिखाने जा रहे हैं, यहाँ मेला भी बहुत ही बेहतरीन लगा है, तो चलते हैं अब मेला में और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ का लगा हुआ है। अब दोस्तों एक झलक आप लोगों को मंदार हिल मेला भी दिखा देते हैं। यहाँ देखिए बड़ा वाला तारामची, और आगे तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है और क्या क्या यहाँ लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं सुपर ड्रैगन इस तरह से ट्रेन वाला, इधर देखिए, इधर गाइस देखिए यहाँ ब्रेक डांस भोला भोला, और वहाँ पे नाव, यही सब छोटा मोटा लगा है भाई। अभी दिन के टाइम है तो सभी चीज़ बंद है, रात को यहाँ मेला बहुत दिन तक यहाँ लगा रहेगा। मकर संक्रांति से ही यह शुरुआत होता है यहाँ का मेला, और काफ़ी दिनों तक यहाँ रहता है मेला लगा हुआ। देखिए गाइस इधर क्या क्या मिल रहा है, लोहिया बैठकी, तो यहाँ पूरा घूम लिए और शायद बहुत, और गाइस कुछ छूट गया होगा तो आएंगे फिर से यहाँ, हर चीज़ डिटेल से यहाँ का इतिहास बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्ण, बाय बाय गाइस।